जो है प्रॉपर एमेजोन एंड फेस्टिव हॉल होने वाली है, जिसमें ब्लाउज, साड़ी, कुर्ता सेट, इयररिंग सब कुछ है। शायद इससे पहले मैंने इस टाइप की वीडियो नहीं करी, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट प्रोडक्ट से, और मुझे इतने अफोर्डेबल रेट में इतने अमेजिंग ब्लाउजेस यहाँ पे मिले हैं। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इनकी इतनी अमेजिंग क्वालिटी होगी। फर्स्ट मेरा ये है, और ये आपको सारे ही 400, 500 के इन बिटवीन मिल जाएंगे, जो कि 400 में कपड़ा कपड़ा भी नहीं आता है। वो फुल स्टिच और लाइनिंग लगी हुई, वेलवेट पैडेड, पूरा बहुत अमेजिंग क्वालिटी के आपको ब्लाउज मिल रहे हैं। आप इसका फिनिशिंग वर्क देख लीजिए, इस पर आपको थ्रेड एंड जरी के वर्क से कुछ इस टाइप का पूरे ब्लाउज में एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। बहुत ज्यादा सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी है। आगे से भी ये डीप नेक होगा एंड पीछे से भी, मस्ट बाय। आप लहंगे पे, साड़ी पे बिल्कुल इजीली पहन सकते हैं, बहुत ही प्रिटी सा ब्लाउज है। तो कुछ इस टाइप का ये ब्लाउज रहेगा। यहाँ पे पूरे पे आपको ये बहुत अमेजिंग सी स्टिचिंग मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सुंदर, इतना फिनिशिंग के साथ इन्होंने बारीक वर्क किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग वर्क इन्होंने किया हुआ है। तो ये इसका सामने का लुक आ गया, और जो ये इसका नीचे का पैटर्न है, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, एंड ये आजकल बहुत ज्यादा फैशन में भी है। तो ये कुछ इस टाइप का इसका सामने का रहेगा। बैक की बात करें, बैक पे भी आपको फुल पे एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, इतना डीप नेक मिल जाएगा। जो पीछे के टेसल होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे, इतनी लंबी डोरियां होंगी, एंड इसमें नीचे में आपको सेम इसी कपड़े के टेसल्स मिल जाएंगे। बैक की बात देख लीजिए, कितना ज्यादा अमेजिंग ब्लाउज है, एंड यहाँ पे आपको चार हुक मिलेंगे, ठीक है, बंद करने के लिए। बहुत ज्यादा कम्फी है। मैंने शायद इसमें 38 या 36 साइज मंगाया, जो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मस्ट बाय प्रोडक्ट है, फेस्टिवल के लिए ले लीजिए, एंड लहंगे वहंगे पे भी ये ब्लाउज इजीली चलेगा। बहुत ज्यादा सुंदर ही ब्लाउज है, मुझे इतना ज्यादा पसंद आया देखते ही कि ये कहाँ से 400-500 में मिल जाएगा। इतना ज्यादा सुंदर सा ब्लाउज, पूरा वेलवेट का रहेगा, एंड नीचे में जो रहेगी वो इसके ये वाली लाइनिंग मिल जाएगी। यहाँ पे ये पैडेड रहेगा, और यहाँ की कुछ एम्ब्रॉयडरी जो रहेगी वो कुछ इस टाइप की रहेगी। आप देख लीजिए कितना ज्यादा अमेजिंग सा वर्क है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा सुंदर इन्होंने बहुत बारीक सा वर्क किया हुआ है, एंड ये पहनने के बाद भी बहुत ज्यादा सुंदर लगा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लुक भी दे रहा है। तो ये हो गया हमारा पहली पिक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लाउज। अगला जो मैंने ब्लाउज पिक किया है वो किया है मैंने मरून कलर में, और ये मैंने बोट नेक में किया है। मुझे बोट नेक वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है, एंड इसमें सामने पे आपको ये बहुत ही अमेजिंग सी इसमें भी जरी की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, एंड इस टाइप के ब्लाउज प्लेन साड़ीज पे बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। यहाँ पे आपको स्लीव में ये वर्क मिल जाएगा, एंड ये भी फुल लाइनिंग के साथ मिलेगा। इसमें यहाँ पे स्लीव में भी आपको ये थ्रेड वर्क मिल जाएगा, एंड ये बोट नेक है तो इसमें पैड होने की जरूरत नहीं है, पैडेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसके नीचे इजीली ब्रा पहन सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की इस पे जरी का वर्क हो जाएगा, एंड सामने का लुक ये आएगा। दूसरी बात, इसमें यहाँ पे प्लीट्स पड़े हुए, प्लीट्स की वजह से बहुत अमेजिंग वो आती है फिटिंग। नीचे में भी आपको बहुत सुंदर सी ये जरी की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी ब्लाउज में, जो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही है, एंड सिल्क इसका कपड़ा होगा। बैक की बात करें तो बैक आपको पूरी प्लेन मिल जाएगी, एंड फर्स्ट से लेकर लास्ट तक नीचे तक इसमें आपको हुक्स मिलेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। और जो नीचे में लाइनिंग है वो कॉटन की इसमें लाइनिंग रहेगी। ये भी मस्ट बाय प्रोडक्ट है, आपके पास डेफिनेटली ये ब्लाउजेस होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लगते हैं कि आपने प्रॉपर साड़ी के साथ ही परचेज किए हैं। दूसरी बात, इनकी क्वालिटी, इनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज्यादा अमेजिंग, एंड ये बहुत ही ज्यादा रॉयल पीस है, आपके पास जरूर से होने चाहिए। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट पिक। और इस बार मैंने 5 ब्लाउज परचेज किए हैं, पांचों ही मुझे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेट में मिले हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट। जो आपको ब्लाउज मिलेगा वो मैंने ग्रीन कलर में पिक किया है, और ये रेड एंड मैरून साड़ी पे बहुत सुंदर जाता है। तो इसमें भी आपको सामने पे बहुत ही प्यारा सा जरी का, स्टोन का, एंड सीक्वेन का वर्क मिल जाएगा। स्लीव में भी पूरे पे आपको जरी का वर्क बहुत बारीक एंड फुल लाइनिंग के साथ मिलेगा, बैक में, फ्रंट में, दोनों ही साइड, एंड यहाँ पे आपको हल्का सा ये कट वाला काम मिल जाएगा। वर्क इतना बारीक एंड इतना सुंदर किया हुआ है, कोई फॉल आउट नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा सुंदर है। एंड ये भी आपको काफी अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगा, सबका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी मुझे कितने का रिसीव हुआ है। गले पे आपको ये बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, एंड यहाँ भी आपको ये कट वाला काम मिलेगा। ये ब्लाउज भी पैडेड रहेगा, और ये हो गया इसका। इसमें आपको आगे में बटन्स मिलेंगे, एंड पीछे में ये स्ट्रेट रहेगा।
पीछे में कोई हुक नहीं, आगे से टाई करने के लिए है ये। सामने पे आपको यहाँ गले पे एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी एंड इतने सारे हुक हैं, और ये भी डीप नेक का रहेगा। बैक से एंड फ्रंट से दोनों ही साइड आपको बहुत ज्यादा डीप नेक मिल रहा है। बहुत ज्यादा सुंदर ब्लाउज है, ये भी मस्ट बाय है। इसकी एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी आप देखेंगे तो देख लीजिए कितनी ज्यादा सुंदर है। एंड फुल में इतने अमेजिंग तरीके से इन्होंने ये थ्रेड वर्क किया हुआ है जो निकलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ इस टाइप से ये ब्लाउज रहेगा एंड सामने पे आपको बहुत अमेजिंग सी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। सिल्क ब्लेंड इसका कपड़ा रहेगा एंड ये बहुत ही ज्यादा सुंदर ये भी ब्लाउज है। ये भी आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट में मिल रहे हैं। तो ये होगी हमारी नेक्स्ट पिक। अब चलते हैं अपने अगले ब्लाउज की तरफ। पिक किया है ये मेरे पास ब्लैक कलर का भी है, और ये मैंने ब्लैक कलर का 700 या 900 में परचेज किया था, और अब मुझे मिला है ये 400 में। ये पूरा सीक्वन वर्क के साथ आपको मिल जाएगा। एंड एक्चुअली जब ये वीडियो जाएगी तो हो सकता है अमेजोन प्राइम सेल जो फेस्टिव सेल है वो एंड हो चुकी हो, बट ये मुझे बहुत अफोर्डेबल रेट में मिले। जितने के भी मिले मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। इसमें पूरे पे आपको नेट पे ये सीक्वन का एंड जरी का वर्क मिल जाएगा। ये बहुत सुंदर ब्लाउज है एंड इस ब्रांड के ब्लाउज आप किसी भी साइट पे देखेंगे बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। पूरे में आपको ये सीक्वन का वर्क मिल जाएगा, और ये वो वाला ब्लाउज है जो देखने के बाद जो वर्क आता है वो मोटा मोटा ऐसा ही खराब सा वर्क आए नहीं, बहुत सुंदर बहुत बारीक वर्क आपको मिलेगा इसमें। और ये भी मस्ट बाय ब्लाउज है, आपको डेफिनेटली परचेज करना चाहिए। पूरे पे आपको बहुत हैवी सा वर्क मिल जाएगा। ये भी मैंने बोट नेक लिया है, दैट्स वाई इसमें भी ये पैडेड नहीं होगा, बट इसका बोट नेक जो होगा वो ब्रॉड में होगा। एंड इसका जो बोट नेक था वो ब्रॉड में नहीं था, वो इतना चौड़ा था, एंड ये ब्रॉड में रहेगा पूरा, काफी चौड़ा सा रहेगा। एंड कुछ इस टाइप का ये ब्लाउज आ जाएगा। बैक की बात करें तो बैक भी पूरी आपको सेम ही मिल जाएगी। बैक पे भी पूरे पे ये सीक्वेंस वर्क रहेगा एंड ब्रॉड नेक रहेगा, एंड फर्स्ट से लास्ट तक आपको हुक्स मिल जाएंगे। इसमें भी आपको प्लेट्स पड़े हुए मिलेंगे एंड आप इसका वर्क देख लीजिए, ये इतना बारीक वर्क है एंड इतना सुंदर है। आप लेने जाए ना, अगर आप वैसे देखें तो 2-3 थाउजेंड के इस टाइप के ब्लाउजेज आते हैं। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट पिक एंड बहुत रॉयल पीस है, डेफिनेटली आपको परचेज करने चाहिए ब्लाउज मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अब चलते हैं अपने अगले ब्लाउज की तरफ। इसमें काफी सारे कलर की अवेलेबिलिटी है तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं आपको कौन सा कलर लेना है, बट मैंने प्रॉपर उसके लिए शूट किया है करवा चौथ वगैरह के लिए, तो आप पता नहीं ये वीडियो कब जाएगी, बट मैंने करवा चौथ के पैटर्न से शूट किया है तो मैंने इसलिए रेड पिक किया। और मेरे पास एक व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट सीक्वेंस वर्क की साड़ी भी है तो उस पर भी ये काफी अच्छा जाएगा। तो ये हो गया इसका सामने का कुछ इस टाइप का लुक। बैक का मतलब बैक में छोटा नेक रहेगा एंड पूरे पे आपको सेम पैटर्न मिल जाएगा इस कपड़े पे। बैक एंड फ्रंट इसकी सेम रहेगी। ये डेली वेयर का ब्लाउज है जो आप डेली वेयर की साड़ी पे, जो लोग पहनते हैं, मैं तो नहीं पहनती, वो इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। 300-400 के अंदर ही आपको मिल जाएगा, उससे कम भी हो सकता है। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट पिक। अब चलते हैं अपनी साड़ीज की तरफ। ये वाइन काइंड ऑफ शेड में साड़ी है, इसपे पूरे पे आपको ये वाली एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। काफी सुंदर साड़ी है एंड पूरे जो अर्ज वगैरह इसका बोलते हैं वो फुल अर्ज की साड़ी आपको मिलेगी। एंड ये हल्की सी शाइन लिए हुए है। जो इसका पल्ला होगा वो ऐसा हो जाएगा एंड ये शायद अंडर 1100 या 1200 आपको मिल जाएगी। इसमें पूरे में आपको बहुत ही सुंदर सी ये एम्ब्रॉयडरी मिल रही है कुछ इस टाइप की, ठीक है। पल्ले पे भी आपको बहुत ही सुंदर सी ये एम्ब्रॉयडरी मिल रही है एंड पल्ला बहुत ज्यादा हैवी है इसका। इधर भी दोनों साइड आपको मतलब ये एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी एंड तीसरी साइड भी, ठीक है। तो ये एम्ब्रॉयडरी रहेगी इस साड़ी की। बीच बीच में आपको पूरे में ये बूटियां मिल जाएंगी नीचे में आपको, एंड नीचे में ही आपको ये वाली एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी पूरी साड़ी में। पहनना बहुत इजी है, जॉर्जेट की साड़ी है एंड कैरी करने में बहुत ज्यादा इजी रहा। इतनी एम्ब्रॉयडरी होने के बाद भी बहुत इजीली ये कैरी हो गई है। तो ये साड़ी तो मतलब आपको फुल लेंथ की इसमें साड़ी मिल रही है एंड जो इसका ब्लाउज पीस आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। ये नीचे की एम्ब्रॉयडरी रहेगी वो आप देख लीजिए कुछ इस टाइप की रहेगी, पूरी साड़ी में मिल जाएगी। एंड ये एम्ब्रॉयडरी है, कोई पैच वर्क नहीं है, पूरी साड़ी में आपको बहुत सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी मिल रही है। प्लीट्स वगैरह बनाने में मेरे जैसी को बहुत इजी रहा जो बिल्कुल नहीं पहनती साड़ी, तो बहुत इजीली ये कैरी हो गई है मुझसे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई इसको बांधने में। तो ये होगी हमारी साड़ी।
साड़ी का मटेरियल वगैरह बहुत अच्छा है, पूरी लेंथ की साड़ी आपको मिल रही है, कोई इश्यूज में आने वाला नहीं है। जो इसका ब्लाउज पीस आपको मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा, ये जो होगा ये इसका सामने का आ जाएगा ब्लाउज का, ये इसका सामने का पैटर्न आ जाएगा ब्लाउज का कुछ इस टाइप से। फुल ब्लाउज में आपको ये बहुत हैवी सी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, जरी के साथ थ्रेड वर्क के साथ आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। साड़ी का लुक इसे बनवाने के बाद बहुत ज्यादा हैवी आने वाला है एंड बहुत प्रिटी ये साड़ी लगने भी वाली है। तो ये हो गया इसका सामने का लुक। एंड जो इसके स्लीव्स आपको मिलेंगी, स्लीव्स पे भी आपको बहुत हैवी सी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। अगर आप इतनी स्लीव कराते हैं तो ये पूरी स्लीव को कवर कर लेगी ये वाली एम्ब्रॉयडरी, तो ये इसकी स्लीव्स होगी। और स्लीव्स जब बनवाए ना तो ऊपर नीचे जगह ना छोड़े, वो बहुत अजीब सी लगती है। फुल एम्ब्रॉयडरी के साथ स्लीव आए ना तो वो अलग ही लुक देती है, बहुत ज्यादा प्रिटी लगती है। जितनी भी इस एम्ब्रॉयडरी में स्लीव बने उतनी बनवाना, एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ोगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो ये होगी इसकी स्लीव। गोल्डन कलर में मंगाई है एंड ये हल्की सी शाइन लिए हुए है, बहुत ही प्रिटी साड़ी है। ये भी आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। साड़ी आपको ज्यादा मतलब हाई रेट में नहीं जाएंगी। इसमें भी आपको ये नीचे में बहुत हैवी सा वर्क मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का पूरी साड़ी में रहेगा एंड ये बहुत ज्यादा हैवी साड़ी है। और इसमें ना मुझे लगता है वो भी लगाने की जरूरत नहीं फॉल, क्योंकि इसमें ना इन्होंने ऑलरेडी कुछ एम्ब्रॉयडरी करने के बाद ये अटैच किया हुआ है, फुल में एम्ब्रॉयडरी एंड एम्ब्रॉयडरी के बाद इन्होंने ये अटैच किया हुआ है कपड़ा इसमें। तो ये पूरे में आपको बहुत ही हैवी सा वर्क मिल जाएगा फुल साड़ी में, कुछ इस टाइप का। ये देखिए, ये पूरी साड़ी में आपको नीचे में वर्क मिलेगा इतना ज्यादा। जो ब्लाउज पीस है उसे बाद में देखते हैं। तो ये इसकी साड़ी का लुक रहेगा नीचे का, और जो सामने पे आएगी वो यहां से आपको पूरी प्लेन मिल जाएगी। ये भी पूरी 5 मीटर की से ज्यादा की लग रही है, काफी लंबी चौड़ी साड़ी है। सामने पे आपको ये इसके पल्ले पे मिल जाएगा, ये वाली कुछ गोल्डन कलर की ही पट्टी लगी हुई एंड इतनी चौड़ाई के साथ। और जो नीचे का पल्ला रहेगा वो ये वाला आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से जब डालेंगे तो ये इस टाइप से रहेगा, ये पूरी नीचे में एम्ब्रॉयडरी रहेगी एंड सामने पे आपको ये सिंपल आ जाएगी। बहुत ज्यादा हैवी साड़ी है एंड बहुत ही ज्यादा ब्रिटी है। तो आप शादीवादी हो किसी की उसमें भी इजिली पहन सकते हैं एंड वर्क भी बहुत ज्यादा सुंदर है इसका। तो ये पहनने के बाद बहुत हैवी लुक देगी। और इसके लिए मैंने स्पेशली, इस पे ब्लाउज है बट मैं स्पेशली इस पे ये वो मैंने मैरून ब्राउज जो शेयर किया है ना वही वाला मैं इस पे पहन के आपको दिखाने वाली हूँ। पर जो इसके साथ आपको ब्लाउज पीस मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। आई थिंक ये ब्लाउज का कपड़ा रहेगा, इससे आप ब्लाउज बनवा सकते हैं। एंड ये वाली इसकी स्लीव्स रहेंगी आप नेट वाली, तो ये आप इसमें स्लीव्स ले सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आप सेपरेट लेना चाहें तो सेपरेट ले सकते हैं, वो भी इस पे बहुत अच्छा जाएगा कंट्रास्ट में। बट ये इसका ब्लाउज पीस आ जाएगा सिंपल सा। तो ये हो गई अपनी नेक्स्ट साड़ी, वो रहेगी ये बनारसी पैटर्न में कुछ पीच काइंड ऑफ शेड की, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। मुझे ये वाले शेड्स वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, सुबह का टाइम सबके घरों में पूजा हो रही है तो इसलिए घंटे की आवाज आ रही है। ये इसकी साड़ी हो गई। पहले करते हैं इसकी साड़ी की बात। तो ये शायद से ये इसका पल्लू आएगा कुछ इस टाइप से, ये काफी लंबी चौड़ी साड़ी लग रही है, ये इसका पल्लू आ जाएगा। ठीक है, पल्लू में यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का बॉर्डर मिल जाएगा एंड ये वाला भी बॉर्डर रहेगा। और ये हो गया इसका पल्लू। बात करें पूरी साड़ी की तो पूरी आपको बनारसी पैटर्न में साड़ी मिल जाएगी जो बहुत ज्यादा सुंदर है एंड हमेशा ही इस टाइप की साड़ीज ट्रेंड में रहती है। तो ये इसकी पूरे में बनारसी प्रिंट हो गया एंड ये बनारसी है, इधर से देख लीजिए कभी आप लोगों को डाउट हो तो, ये बनारसी ही रहेगी। पूरे में आपको सेम पैटर्न मिल जाएगा एंड इसमें भी शायद वहां पे कलर अवेलेबिलिटी है। नीचे में आपको ये वाला बॉर्डर मिलेगा, बाकी पूरी साड़ी ये रहेगी एंड यहाँ पे भी आपको ये बॉर्डर मिल जाएगा। ये मस्ट बाय साड़ी है, आपके पास जरूर होनी चाहिए क्योंकि काफी अफोर्डेबल रेट में आपको बहुत ज्यादा सुंदर कलर की बहुत प्रिटी साड़ी मिल रही है। तो ये हो गई साड़ी। और इसका ना मैं कंफ्यूज हो गई थी, इसका ये वाला इस साइड का ये वाला इसका पल्लू रहेगा एंड वो जो लास्ट में ये है ये ब्लाउज पीस रहेगा। ये इसका ब्लाउज आ जाएगा, यहां से ब्लाउज, ये स्लीव्स वगैरह आएंगी। तो ये इसका ब्लाउज, मुझे साड़ी इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, ये इसका ब्लाउज पीस आएगा एंड जो इसका पल्लू आएगा
पल्लू इसका ये वाला आएगा। ये बहुत ही लंबी चौड़ी साड़ी है यार, बहुत ज्यादा, तो ये इसका पल्लू हो जाएगा। तो ओवरऑल ये साड़ी भी मस्ट बाय, सारी ही आपको काफी अफोर्डेबल रेट में मिल जाएंगी, आप डेफिनेटली जाके परचेज कर सकते हैं और लुक बुक सबकी स्क्रीन पे चली रही होगी। अब आते हैं अपने कुर्ता। मुझे 1900 या 2000 रुपए में मिला था, बट अभी इसका रेट 1300 हो रहा है। ये कुछ इस टाइप का रहेगा इसके गले पे, यहाँ पे आपको ये थ्रेड जरी का एंड हल्का सा जरी का वर्क मिल जाएगा, ठीक है। स्लीव इसकी 3/4 रहेंगी एंड इस पे पूरे पे आपको ये गोल्डन कलर का प्रिंट मिल जाएगा। ये बहुत हैवी सूट बन जाता है बिकॉज ऑफ स्कर्ट की वजह से, इसके पास ऊपर बहुत ही प्यारी सी स्कर्ट है, मजेंटा शेड का ये कुर्ता रहेगा, लुक बहुत सुंदर आया है एंड कुछ इस टाइप का ये कुर्ता आ जाएगा। पूरे में आपको ये गोल्डन कलर का प्रिंट मिल जाएगा, सामने पे आपको ये जरी का वर्क एंड थ्रेड का वर्क मिल जाएगा गले पे। जो बैग की बात करें, बैग भी इसकी सेम ही रहेगी प्रिंटेड, बैक में भी आपको ये वाली गोल्डन कलर की बूटी बूटी मिल जाएंगी कुछ इस टाइप से एंड सिंपल सी इसकी बैक आ जाएगी। इसमें जब मैंने ये मंगाया था तब मैं थोड़ी पतली थी, मैंने साइज इसमें एस मंगाया था, अभी मेरा एम हो गया है। तो कुछ इस टाइप का ये कुर्ता रहेगा इसका, बहुत ही प्रिटी एंड लुक बहुत सुंदर आया है। आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं दिवाली वगैरह के लिए, क्योंकि इसके नीचे ना स्कर्ट बहुत ज़्यादा सुंदर है, प्रिंटेड रहेगी, इतनी चौड़ाई रहेगी बेल्ट के साथ एंड यहाँ पे आपको ये एडजस्ट करने के लिए मिल जाएगा। पूरी स्कर्ट में आपको ये प्रिंट मिलेगा एंड नीचे में कुछ बॉर्डर काफी चौड़ा चौड़ा प्रिंट का मिल जाएगा एंड हैवी है ये स्कर्ट, इसकी वजह से ये जो नीचे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इसकी वजह से काफी हैवी स्कर्ट ये बन जाती है। तो ये रहेगा इसका नीचे का पैटर्न कुछ इस टाइप का, यहाँ पे आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, ये गोटा पट्टी का वर्क मिल जाएगा, इतना चौड़ा सा बॉर्डर मिल जाएगा एंड ये जो एम्ब्रॉयडरी रहेगी ये दोनों ही तरफ रहेगी इसमें कुछ इस टाइप से। तो ये इसकी स्कर्ट आ जाएगी, लुक बुक में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा ये कैसी लग रही है। तो ये इसकी स्कर्ट हो गई। इसके साथ आपको जो दुपट्टा मिलेगा वो हल्की सी शाइन लिए हुए मिलेगा कुछ इस टाइप का, इतना चौड़ा रहेगा एंड पूरे दुपट्टे में आपको शाइन मिलेगी, चारों तरफ आपको ये वाला बॉर्डर मिल जाएगा। तो ओवरऑल दुपट्टा भी इसका बहुत ज्यादा प्रिटी आएगा। ये भी मस्ट बाय प्रोडक्ट है, आप डेफिनेटली ले सकते हैं। अगली पिक हमारी ये होगी। अब चलते हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट है, ये इयररिंग्स। ये इयररिंग आप वेस्टर्न पे और अपने वैसे कोई भी जो मतलब डेली वेयर हो गया, वेस्टर्न वेयर हो गया, इंडियन वेयर हो गया, सबके साथ पहन सकते हैं, क्योंकि मैंने सबके साथ ये पेयर अप कर रखे हैं और आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। इसके साथ आपको ये गोल्डन कलर की बालियां मिल जाती है, बीच में ये गोल्डन कलर आउट ऑफ फैशन हो रखा था बट आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो कुछ इस टाइप की आपको बालियां मिल जाएंगी, 6 पेयर मेरे को मिले हैं और ये मुझे शायद 139 या 199 कुछ इतने में मिल गए। दूसरा जो आपके साथ आपको मिलेगा ये तो बहुत ही ज्यादा आजकल ट्रेंड में है, कुछ इस टाइप की बालियां मिल जाएंगी एंड ये यहाँ पे इस टाइप से बंद होती हैं। तो ये रहेंगी, आपने मोस्टली लास्ट वाली वीडियो में कुछ में मुझे यही वाले पहना देखा होगा एंड इस पे ये कुछ इस टाइप का आपको डिजाइनिंग मिल जाएगी। जो थर्ड मेरी बालियां होंगी वो सेम ऐसी ही छोटे वाली रहेंगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये मेरी नेक्स्ट बालियां हो जाएंगी इसके साथ। और ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके पास जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये ना हमेशा ही आजकल बहुत 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 ट्रेंड में है। मैंने इतने लोगों के पास इस टाइप की बालियां देख ली हैं, इनफैक्ट फॉरेन के जो व्लॉगर होते हैं उनके पास भी। चौथा जो मुझे पेयर मिला है वो मिला है कुछ इस टाइप के स्टर्ड्स हैं, ये गोल्डन कलर के हैं, ये भी मुझे पर्सनली स्टर्ड भी बहुत पसंद है। बाहर कहीं जाना हो तो मैं कभी भी हैवी इयररिंग नहीं पहनती। नेक्स्ट जो मुझे मिले हैं वो इस टाइप के स्टोन वाले स्टड्स मिले हैं इसमें मुझे, ये भी ये छोटे हैं ना, ये थोड़े छोटे साइज में, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे स्टड वैसे भी बहुत पसंद है। एंड जो लास्ट पीस है वो है ये पर्ल वाले। तो ये आपको बेसिकली 6 इयररिंग का सेट मिल जाता है जो काफी अफोर्डेबल रेट में आपको मिल रहा है एंड बहुत ज्यादा पहनने के बाद प्रिटी भी लगते हैं। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा ट्रेंड में, आपके पास जरूर से होने चाहिए। 6 पेयर हैं तो आप अलग अलग करके पहन सकते हैं। एंड ये जो सूट पहने बैठी हूँ इसका लिंक आप इससे पहले मांगे, मैं बता दूं ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, आज से 5-6 साल पुराना सूट है ये, जो मैंने कपड़ा लेके स्टिच कराया था। पहले मैं ऐसे ही लेती थी और ऐसे ही स्टिच कराती थी, अब नहीं होता है। तो ये हो गई आज की वीडियो और मैं इतना बोल ली, मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है, अभी सांस चढ़ चुके हैं, क्योंकि आज शायद 5वां नवरात्रा है और बिना नमक वाला मेरा फास्ट है, तो मुझसे ज्यादा बोला नहीं जाता और आज मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर